ये देखिए आप किस तरह के जो सुरंग है यहाँ पर बने हुए हैं, और जब लोगों के पीछे पड़ जाएं तो ये मान के चलो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और उन्होंने देखिए पैसे निकाल के दिए हैं, पूरे कटे फटे जो कपड़े यहाँ पर पहने हुए हैं इन्होंने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ सांगोद के ऐतिहासिक नार में, जहाँ पर काफ़ी सारे जो सॉन्ग है वो रचे जाते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, पीछे आप देखिए यहाँ पर मंदिर है माता जी का, और ये जो जगह है ये खड़ा पक्ष का नार यहाँ पर भरता है। रात में मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माहौल रहता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो देखने वाले दर्शक हैं यहाँ पर आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा एक खड़ा परिसर है जहाँ पर नाड़ वगैरह भरता है और काफ़ी रौनक यहाँ पर रहती है। आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों, मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको सांगोद का ऐतिहासिक नाड़। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए LED वाल भी लगाई हुई है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर LED वाल लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो मंदिर है प्रसिद्ध माता ब्रह्मणिका मंदिर है यहाँ पर, जहाँ से जो सारा कार्यक्रम शुरू होता है पूजा अर्चना के बाद में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर साउंड वगैरह लगे हुए हैं, और इधर भी दर्शक दीर्घा बनाई हुई है बैठने के लिए। ये पूरा यहाँ पर परिसर है खाड़ा पक्ष का, और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं और प्राचीन पेड़ हैं। सदियों से ये जो पेड़ हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, और काफ़ी मतलब उनकी मान्यता भी है। ये आप इधर देख सकते हैं, इधर यहाँ पर सामने एक पीपल का पेड़ है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर जो कुछ लोकल कलाकार हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, वो अभी यहाँ पर जो माता ब्रह्मणी के ढोक देने आए हुए हैं, वो ढोक देने के बाद ही यहाँ पर जो कार्यक्रम वगैरह है वो शुरू करते हैं। सामने आप देख सकते हैं सांगोद जो मतलब बस है उसका एक स्वरूप यहाँ पर लिया हुआ है, मतलब सांगोद जंक्शन। और जैसे भी आएंगे यहाँ पर सामने की तरफ तो आपको माहौल दिख जाएगा किस तरीके का जो माहौल है यहाँ पर बच्चों ने बनाया हुआ है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेन बनाई हुई है बच्चों ने। बच्चों ने किस तरीके से जो सॉन्ग है यहाँ पर रचे हुए हैं, और काफ़ी गजब माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। इनके हाथ में आप देख सकते हैं जो ट्यूब है वो पूरी यहाँ से मतलब ऑयल से रंगी हुई है, और इसको मार रहे हैं लोगों के। ये सामने आप देखिए यहाँ पर जो काफ़ी सारी लोकल महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है देखने के लिए, और अभी सामने से देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके के जो सॉन्ग है यहाँ से आ रहे हैं मतलब, और बहुत ही गजब माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर सॉन्ग रचे हुए हैं, बहुत ही गजब माहौल बनाया हुआ है। सामने आप देखिए यहाँ पर जो सॉन्ग है भूत के सॉन्ग यहाँ पर रचे हुए हैं लोगों ने, और काफ़ी गजब माहौल बना हुआ है, बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ पर। यह है यहाँ का सांगोद का ऐतिहासिक नाड़, काफ़ी गजब करतब यहाँ पर दिखाई जाता है लोगों, बहुत ही गजब माहौल है यहाँ पर सांगोद के नाड़ का। ये आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर खाड़े पक्ष की, जो लाइव तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आज। ये देखिए आप किस तरह के जो सॉन्ग है यहाँ पर बने हुए हैं, और जब लोगों के पीछे पड़ जाएं तो ये मान के चलो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और उन्होंने देखिए पैसे निकाल के दिए हैं, पूरे कटे फटे जो कपड़े यहाँ पर पहने हुए हैं इन्होंने। कुछ लोग जो यहाँ पर देखिए मंदिर के ऊपर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जो छतें बनी हुई है मकानों की वहाँ पर बैठे हुए हैं। Yeah.
पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो।